नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जाते हैं कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। अभी हम ग्रेटर फरीदाबाद में हैं, बुढ़ेना गांव है, ये भी शहर के बीचों बीच में है और सरकारी स्कूल है। यहाँ पर सरकार सरकारी स्कूलों को भी सुधारने की बातें करती है, दावे करती है। हम आपको बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं बुढ़ेना गांव के सरकारी स्कूल के बाहर किस तरह से नरक जैसे हालात हैं। बहुत गंदा बदबूदार पानी जमा है और इसमें बच्चे किस तरह से पढ़ने के लिए जाते होंगे, कहां से जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, आप खुद देखिए। बच्चों से भी बातचीत करेंगे, बुढ़ेना गांव वालों से भी बातचीत करेंगे। आपको दिखाते हैं शहर की असली हालत क्या है, आप लोग शेयर भी कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले ये बच्चे हैं, ये इसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो गांव के ही हैं, आसपास के हैं। नगर निगम फरीदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नगर निगम फरीदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पार्षद निवास नंबरदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पार्षद निवास नंबरदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद किशनपाल गुर्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद किशनपाल गुर्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग नेताओं से नाराज है और नाराज क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, नाराज क्यों है दिखाता हूँ, एक मिनट यहीं रहिए। हाँ, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ किस वजह से नाराज है। ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है और सबको पता है, नेताओं को पता है, पार्षद को, विधायक को, सांसद को, सबको पता है, सरकार को पता है, प्रशासन को पता है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल है और पानी की दिक्कत है, जल भराव की समस्या है। हाँ, जल भराव की समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। या तो सरकारी स्कूल को ही कहीं पर शिफ्ट कर दो, कम से कम बच्चे तो परेशान ना हो, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। जब यहाँ पर सरकारी स्कूल है तब बच्चों को नरक जैसी हालत में सरकारी स्कूल में आने को मजबूर क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, पहले हम बातचीत करेंगे, फिर अंदर ले चल के आपको नरक दिखाएंगे। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, एक मिनट, तमाम लोग हैं, हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? केशराज। यहीं पर रहने वाले हैं? हाँ जी। ये कब से हालत है? ये तो काफी दिन से है। ये इधर आ जाइए सर, थोड़ा इधर भी पब्लिक ये भी देखे। ये परेशानी काफी दिन से है सबको। सरकारी स्कूल कब से है? सरकारी स्कूल तो करीब कितना दिन से है सरकारी स्कूल? 70-80 साल हो गए, यानी कि आप लोग यहीं से पढ़े होंगे, गांव वाले यहीं से पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो कितने साल से ये नरकी हालत है, नरक जैसी हालत? ये कम से कम 10-12 साल से हालत चल रही है, यही हालत। हाँ आप बताइए। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से आप आए, आप बड़ी जागरूक हो और आपकी न्यूज के सहारे ही हमारी जो जल भराव की समस्या है और भी कई समस्या है गांव के अंदर। बिल्कुल। लेकिन धर्मेंद्र जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारी समस्याओं का, आपके न्यूज फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज के द्वारा कोई समाधान करवा पाओ, तो वरना अधिकारी तो घूंगे बहरे बने बैठे हैं और अंधे भी हैं। हमारे विधायक जी हैं लेकिन क्या बोले कि वो अपने घर से ही नहीं निकल पाते। और पार्षद नरेश नंबरदार जिसकी यह जन्मभूमि गांव बुढ़ेना लेकिन कर्म भूमि नहीं बनाना चाहता, एक भी काम अगर पार्षद नरेश नंबरदार बता दे कि गांव के अंदर मैंने कोई सरकारी स्कूल के पास से यहां से सफाई कराई है या जल भराव की समस्या को खत्म किया है या गांव के अंदर रोड बनवाए हो या नालियां बनवाई हो या हमारा शमशान घाट जिसको देखकर तो रोना ही आता है, इतना बुरा हाल कि बहुत ही ज्यादा। सर चलो, बहुत सारी समस्याएं हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ जी। मेन दिक्कत ये है, ये सारे बच्चे हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जी। ये सारे बच्चे हैं सरकार का। हाँ, ये जब स्कूल में जाते होंगे तो बाहर इतनी ज्यादा बदबू है, मुझे खुद सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बदबू नहीं सर, जब ये अंदर जी स्कूल सरकारी गाँव बुढ़ेना फरीदाबाद 500 बच्चे हैं जिसमें से 250 बच्चे या 300 ही स्कूल को अटेंड कर पा रहे हैं, बल्कि 250 बच्चे वायरल फीवर मलेरिया फीवर से बीमार हैं। बाकायदा प्रशासन आए और रिपोर्ट लें अपनी
कि बच्चे वाकई बीमार है। हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छे प्रिंसिपल मैम, उन्होंने कई बार कंप्लेंट करी है पार्षद को भी, नगर निगम अधिकारी को भी, वीडियो बनाई है, बाकायदा वीडियो भेजी है, आज भी पार्षद को बुलाया गया है, लेकिन पार्षद बिल्कुल नहीं आ सकता, गांव में ही रहता है, लेकिन गांव के बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। और ये बच्चे हैं, अब हम देखेंगे बच्चे कैसे स्कूल में घुसते हैं और कितना परेशान है। अब आपको दिखाएंगे क्योंकि ये सीवर का गंदा और बदबूदार पानी है, और ये सीवर का गंदा और बदबूदार पानी है, पानी में जाने से लोग डरते हैं कि बदबूदार पानी चप्पलों में लग जाएगा, पैरों में लग जाएगा, उसके बाद फिर से नहाना पड़ेगा, वरना तो खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, इतनी बुरी हालत है। अब आप देख सकते हैं ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं इसी नरक जैसे पानी में घुस कर, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, एक मिनट रुक जाओ, हाँ अभी यहीं पर रुकना, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं इसी नरक भरे। नगर निगम फरीदाबाद, इसी नरक, इसी नरक वाले पानी में से, एक मिनट, इसी नरक वाले पानी में हम भी घुस गए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, 10-10 फुट गहरे हैं इसमें, तो कोई गिर जाएगा तो उसकी डेथ भी मर जाएगा। हरमंदर जी, कई बच्चों को बचाया भी गया गांव के लोगों के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए दलदल बनी पड़ी है, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये दलदल है, और इसमें अगर कोई बच्चा गिर जाएगा तो बहुत मुश्किल से हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। आप देखते हैं ये बच्चे किस तरह से स्कूल में जाते हैं, देख लीजिए आप लोग, ये फरीदाबाद का नज़ारा है, फरीदाबाद 89 विधानसभा का नज़ारा है, स्मार्ट सिटी का नज़ारा है, जिसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, फरीदाबाद के सांसद, विधायक, पार्षद ये सब देख लें, जो पूर्व में सरपंच रहे वो भी देख लें। हरमंदर जी, 5 किलोमीटर नगर निगम ऑफिस, आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे हैं, ये स्कूल में जा रहे हैं नरक जैसे पानी में घुसकर, अब ये कैसे पढ़ेंगे, ये जूता इसका देखिए, ये बच्चे का जूता भीग गया, अब जूते में से दिन भर बदबू आती रहेगी। हाँ अब आप देखिए, रुक जा, ठंड रख, ये है पानी, तो आप लोग देखिए ये बच्चे जो है कीचड़ में से घुसकर, बदबूदार पानी में से घुसकर स्कूल में जा रहे हैं, इनके जूते गंदे होते जा रहे हैं, दिन भर इनमें से बदबू आएगी, जूते तो धो नहीं सकते, हाथ वाथ तो धो भी लेगा आदमी, लेकिन जूते नहीं धो पाएगा, अब जूतों में से दिन भर बदबू आएगी, और दिन भर ये बदबू में ही रहेंगे, अब बदबू में कैसे पढ़ाई करेंगे। फरीदाबाद के नेता लोग ध्यान दें, फरीदाबाद का प्रशासन ध्यान दें, फरीदाबाद के तमाम अधिकारी ध्यान दें, हरियाणा सरकार ध्यान दें, वरना ये बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, सरकार के बारे में क्या सोचेंगे, कि सरकार ने क्या हालत बना रखी है, नेताओं ने क्या हालत बना रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप पूर्व विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल भी, हाँ हम भी, हाँ आप देखिए ये रिस्क है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर गड्ढा है, 10 फीट गहरा, मैं भी डूब जाऊंगा इसमें, लेकिन भाई जनता की परेशानी दिखानी है तो हम भी रिस्क लेते हैं इतना, तो चलो चलो आप चलो 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 मैं कर लूँगा। हेडपम्प के अंदर ये गंदा पानी हेडपम्प के अंदर जा रहा है, चलो चलो पानी इधर देखो जी, पानी वाले, अच्छा एक मिनट, ये है, अच्छा ये हैंडपम्प है, इसमें से पानी निकलता है, आप लोग देखिए ये पानी कैसे पियेंगे, कैसे जाएंगे वहाँ तक, ये भी समझने वाली बात है, देखने वाली बात है, ये पूरा स्कूल नरक बन गया है, बहुत ज़्यादा बदबू है, बदबू इतनी आ रही कि आम लोग तो यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, उल्टी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा बदबू है। तो दोस्तों ये फरीदाबाद का नज़ारा है, फरीदाबाद 89 विधानसभा के अंतर्गत बुढ़ेना गाँव आता है, नहर पार एरिया में पड़ता है, बाईपास से लगता हुआ ये गाँव है, और नरक जैसे हालात यहाँ पर आपको हमने दिखाए हैं, बच्चे किस तरह से नरक
नरक जैसे पानी में घुस कर आते हैं। बेटा यहीं रुको, आपका क्या नाम बेटा? विजय। कहाँ रहते हो आप? मुरैना। आपके जूते भीग गए कीचड़ में, बदबू दिन भर आती होगी? यस। आती होगी ना बदबू? तो कैसे पढ़ते हैं दिन भर, कैसे रहते हैं स्कूल में? परेशान रहते हैं। बदबू आती है कि नहीं दिन भर जूतों से? ये देखिए जूते आपके भीग गए हैं कीचड़ में और वो बदबूदार पानी में, तो आपको अच्छा कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है? चलो ठीक है बेटा, तो ये देखिए सबके बच्चों के जूते चप्पल सब भीग जाते हैं कीचड़ में। बेटा इसको बुलाना। हाँ, आपका क्या नाम बेटा? नाम मेरा सुमित है सर। कहाँ रहते हैं आप? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में रहते हैं, इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ सर। तो कीचड़ में घुस के आते हैं, चप्पल जूते भीग जाते हैं, कैसा लगता है? अब सर मजबूरी है ये भी हमारी, क्योंकि कीचड़ में आएंगे तो, और कोई कोई बच्चा तो सर गिर भी जाते हैं। गिर भी जाता है? हाँ जी। तो क्या ऐसी हालत होनी चाहिए स्कूल की? सर ये हालत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी में तो हमने यही सुनी है शुरू से ही, पढ़ाई अच्छी होती है और अच्छी वो मिलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें सर, तो सरकार के बारे में सोचा होगा आपने, अच्छा काम करेगी, हमारे स्कूलों में सुधार होगा, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, लेकिन इस तरह की हालत यहाँ पर तो नहीं है। क्या मांगे सरकार से? सर यही मांगे, अच्छी पढ़ाई हो और अच्छा हमारा देश चले अच्छे। जो गेट पे गंदगी है उस पर क्या मांगे? उस पे जी यही है मांगे, मेरी सफाई हो जाए ढंग से। सफाई हो जाए, तो ये बच्चे हैं इनकी मांग यही है। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और हाँ हम बच्चों के पिता। सर आइए, जो बहुत फरीदाबाद के सीनियर पर्सन है, पूर्व में विंग कमांडर रह चुके हैं, वकील भी हैं, नहर पार विकास मोर्चा के ट्रस्टी भी हैं, ग्रेटर फरीदाबाद कन्फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ के भी ट्रस्टी हैं। वकील दुग्गल जी से बातचीत करेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस हालत पर, जो नरक जैसी हालत मैं है? मैं तो एक आधारभूत बात कहना चाहूँगा कि आज जितने बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं, वो उसमें से कम 90-95% लोग जो हैं वो इन्हीं सरकारी स्कूलों की देन है। ये सरकारी स्कूल हमारे समाज का आधारभूत है, आधार है, और अगर हम इन्हीं को निग्लेक्ट करेंगे तो आई थिंक ये आगे के लिए अच्छा प्रमाण नहीं है, आगे के लिए अच्छा साइन नहीं है। सही बात है। जितने भी स्टेट के या सेंट्रल के जो पुराने पदाधिकारी IAS या HCS या HPS ऑफिसर रह चुके हैं, वो बेसिकली इन पब्लिक स्कूल्स में से पढ़े। हमने भी अपनी शुरुआत जो लाइफ की है वो इन पब्लिक स्कूल से की है। बिल्कुल। और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और उनके जो अभिभावक हैं, उनकी भावना में पब्लिक सर्विस होती है। बिल्कुल। मैं प्राइवेट स्कूल पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन ये बच्चा जो पढ़ा यहाँ खड़ा हुआ है या बच्चे आपने बाहर देखे, इसमें से कई नेता निकलेंगे, कई MLA निकलेंगे, MP निकलेंगे, आगे बढ़ के मिनिस्टर बनेंगे। सही बात है। IAS IPS ऑफिसर बनेंगे। और हमें तो आशा है, हमें पूरी आशा है कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। सर सरकार जब अपनी फैसिलिटी जो उसको मिली हुई रिसोर्सेज उसको यूज करती है, तो नदियों में समुद्र में भी पुल बना लेती है, समुद्र में भी पुल बना लेती है पानी को रोककर। तो यहाँ पर तो सर कॉमन एरिया है, यहाँ पर तो आसानी से सीवरेज सिस्टम की समस्या का समाधान किया जा सकता है जनाब। तो एक सरकार संवाद ऐसा क्यों की नहीं? कमी है। बिल्कुल, संवाद की कमी है। जब हम बड़े नेता बन जाते हैं, हम बोलते ज्यादा सुनते कम है, ऐसा मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ। हमको जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे दो कान भगवान ने दे रखे हैं, हमको जनता की समस्याएं सुनना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को मुंह से आदेश देना चाहिए, ये संवाद की कमी। सर जैसा कि कहा जाता है फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, तो जब ये बच्चे नरक जैसे पानी में घुसकर स्कूल में आते होंगे, तो इनके मन में क्या आता होगा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन सकती है? जरूर इनके मन में ये आता होगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक ऑटो या बैनर ये लगा देखते हैं स्मार्ट सिटी, और जब ये पढ़ने वाली जगह पर आते हैं तो कहते हैं स्मार्ट सिटी का पोस्टर तो इतना बढ़िया और इतना खूबसूरत था, पर जहां मैं पढ़ने जाता हूं वहां तो मैं अंदर भी नहीं घुस सकता। तो डेफिनेटली उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि कहीं ये दिखावा तो नहीं। बिल्कुल, इनको एक तरह से पॉजिटिव सोच के साथ स्कूल में आना चाहिए, लेकिन इनके मन में पहले से ही निगेटिव थॉट आ जाते हैं। कम से कम इसकी एंट्रेंस देखिए, वो पानी पीने की जो जगह है वो गंदे पानी में डूबी हुई। अब ये बच्चा आप पूछ लीजिए, कई बच्चे इसमें से वाटर बॉटल नहीं लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। कईयों के मदर फादर जो है काम करते हैं, भूल जाते हैं, और इस तरह से वो भूल,
तो बच्चा देखिए सारा दिन प्यासा बैठा रहेगा। बिल्कुल सही बात, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलो ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अरुण जी से बातचीत करते हैं जो ट्रस्टी हैं नहर पार विकास मोर्चा के, सर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने आके इस गांव की और इस स्कूल की जो दुर्दशा शासन प्रशासन तक दिखाने का जो प्रयत्न कर रहे, देखो हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़े भी हुए हैं और बहुत सारे लोग अब तो कोरोना के चक्कर में बेरोजगार हो गए हैं, तो वो भी शायद सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज भी दें। आपको यहाँ आप आए और आपसे जो हमारा जो मेन मकसद था आपको दुर्दशा दिखाने का, सिर्फ ये था कि बच्चे जो हैं यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आ नहीं पा रहे हैं, सरकार कोरोना के लिए वैक्सीन लगा रही है। एक बात बताइए, कोरोना से भी बढ़िया डायरिया, मलेरिया, डेंगू, ये तीनों ऐसे फीवर हैं जो कि जानलेवा बीमारियां रही हैं और बिल्कुल बिल्कुल ये महामारी भी रही है। बीमार है सबका, सबसे बड़ा कारण ये गंदगी है, गंदगी है, ये गंदगी यहाँ से पार्षद मेरे ख्याल से नंबरदार जी जो हैं यहाँ पैदा हुए हैं, पूरा जीवन उनका उसमें निकल गया है, जन्मभूमि है। कृष्णपाल गुर्जर जी जब और गांवों को भी नगर निगम में लेने की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ के सरपंचों को बहकाने के लिए, उनका एक बहुत बढ़िया सा डायलॉग था, उन्होंने कहा कि आप ना तालाब से निकलो और समुद्र में तैरो। अच्छा। विकास तभी होगा जब नगर निगम होगा, अगर विकास नगर निगम में आने से होता है तो मैं तो कहता हूँ कि देखो एक बार बुढ़ाने गांव के चक्कर काटो, 45 साल हो गए ये क्या नगर निगम है। सिर्फ मैं बता देता हूँ जी, नगर निगम में लाके इनको खाने के लिए ज्यादा पैसा मिल जाता है, अपने घरों को भर रहे हैं, स्कूल इतनी बड़ी बात नहीं है इनके लिए, अभी 2 मिनट लगेंगे किसी भी मंत्री के घर के वहां से निकाल दो, नाले भी बन जाते हैं, मेन होल भी बन जाते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ ये कि मंत्री हैं, यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये लगा लो बाबूजी कि यहाँ अभी परसों पल्ले दिन की बात है, भाई साहब ये दिनेश भाई और ये भाई साहब थे, यहाँ कोई बच्चा गिर गया जी उसमें नाली में पीछे, 10 फुट गहरी नाली है। अगर चलो ये तो ठीक है, नजदीक में इनकी दुकानें वुकाने निकलते बढ़ते रहते, अगर नहीं होती तो मर जाता, क्या प्रशासन तब आता? नगर निगम पार्षद जो यहाँ हमने बना के भेजा है उसे वहाँ नरेश नंबरदार को सिर्फ दमी बना रखा है क्या? नरेंद्र गुप्ता कल वीडियो वायरल हो रही है कि अगर उद्घाटन नहीं, मुझे उद्घाटन में नहीं बुलाते तो मैं काम नहीं करवाऊंगा। मैंने वीडियो ऐसी देखी है, मैं उसको सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे सुनने में आया था। मैं कह रहा हूँ कि हम करवाएंगे उनसे उद्घाटन, आओ हमारे यहाँ इस रोड का नाली का उद्घाटन करो, पूरा गांव जी जान से उनके साथ होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। देखो और कल मैंने दिखाया था सेक्टर 15 में जहाँ पर विधायक वगैरह के घर हैं, बहुत बढ़िया वहाँ पर काम हुआ है, अच्छी अच्छी टाइल्स बिछी हैं, अच्छे रोड बने हैं, वहाँ पर गड्ढे नहीं है, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि गड्ढे खोद दिए जाएं सीवर के लिए और एक एक साल तक भरे ना जाएं। धर्मेंद्र वहाँ पर बहुत बढ़िया लाइफ है, लग्जरी लाइफ। मैं तो धर्मेंद्र जी ये बात कह रहा हूँ कि मैं तो फिर भी इस गांव से बाहर कहूँ, इस गांव की दुर्दशा मैं फिर भी इस गांव से बाहर कहूँ, इस गांव की अगर दुर्दशा जाननी है तो ये भाई है, ये गांव के ये भाई है, ये गांव के दुर्दशा तो ये बताएंगे। मैं तो फिर भी चलो ठीक है, बिल्कुल मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है, बिल्कुल मैंने देखा है, उन्होंने बताया बिल्कुल शुरुआत में। आप आए हो, आपका बहुत आभार है, गांव बुडैना में आपके फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से हमें एक आशा है कि हो सकता है कि आपके द्वारा ही हमारी समस्या का समाधान हो पाए। बिल्कुल, हमारी प्रिंसिपल मैम है यहाँ पे, बहुत अच्छी है, उनकी क्या मजबूरी, 5 बार फोन किया है लेकिन नरेश नंबरदार यहाँ पे नहीं आया समस्या दिखाने के लिए। मैडम ने बाकायदा वीडियो बनाई है, उसको भेजी है नरेश नंबरदार को, नगर निगम अधिकारी को भेजी है। ये महेश जी है, ये विनोद भाई है जी, अपने सामाजिक कार्यकर्ता है ये विनोद भाई, हम सभी इसी सरकार स्कूल से पढ़े, बहुत आहत है इसको देखकर। ये दिनेश मास्टर जी हैं जी, और ये दिनेश सामाजिक कार्यकर्ता, बिल्कुल हमेशा ही तत्पर रहते हैं किसी भी जिम्मेवारी को निभाने के लिए, लेकिन हम बहुत टूट चुके हैं क्योंकि मेरा गांव 45 साल से नगर निगम के अंडर है, लेकिन अच्छा। सीवर की समस्या बनी हुई है, बिल्कुल भी समाधान नहीं। ये गांव 45 साल हो गए एमसीएफ में आए हुए और नगर निगम से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, इसकी इतनी हालत खराब है उसके बावजूद भी कई गांव ले लिए गए। स्कूल तक आए हो, अगर गांव के अंदर गए तो निकल ही नहीं सकते आप, गांव की शमशान घाट देख लो। ये मेरा नहीं, सभी का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मास्टर जी को। हाँ जी बताइए, क्या अनुभव है आपका? अनुभव ये है कि अभी तक हमारे जो 1975 में नगर निगम में कॉम्प्लेक्स में फिर नगर निगम में काम आया हुआ, आज तक कोई काम नहीं हो रहे, बस कल आश्वासन मिलते हैं न गांव के, अभी नाड़ी चारों तरफ में भरी पड़ी है चारों तरफ, सिविल लाइन आज तक चालू नहीं हुआ, जो गांव तो अभी एमसीएफ कमिश्नर बदल गए हैं, जो डीसी साहब थे अस्पताल यादव वो एमसीएफ कमिश्नर हो गए हैं, तो उनसे क्या मांग? उनसे उम्मीद
उम्मीद और मांग यही है कि जो हमारे गांव की समस्या है ये समस्या हल हो जाए। हम सोचेंगे फरीदाबाद में विकास कार्य हुए, जो स्कूल के सामने नरक जैसी हालत है उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, जल्दी से जल्दी ठीक करें। इतना बिल्कुल, और हमें पूरी आशा है कि हमारी समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपसे भी आशा है कि हमारी इस मांग को नगर निगम अधिकारी तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इस समस्या का समाधान कराएं। बिल्कुल, और शमशान घाट उसमें पानी भरा हुआ है, कुर्सी को छोड़कर एक बार आए तो सही। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार देखें, हम जरूरी नहीं है कि हम दिखाएं, वो खुद देखें। ये विनोद भाई है, ये दिखाएंगे। तो आइए अंदर भी चलते हैं मैडम, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं और बच्चे भी हैं बहुत सारे। मैडम तो यहाँ पर ये स्कूल है, बुला लो। बहुत सारे लोग आए हैं तो गांव के लोग हैं, और प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, प्रशासन से उनकी क्या मांग है। हाँ आप बताइए। मैं दिनेश, पिछले करीबन 15 दिन से मैम मेरे पास फोन करती है सीवरेज के पानी की समस्या के लिए। मैंने पार्षद से भी बोला है, विधायक से नरेंद्र गुप्ता जी से बोला है, स्पेशली देवेंद्र चौधरी उनसे भी बोला है, और कृष्णपाल जी से भी बोला है, बाकायदा वीडियो भी उनको बना के भेजी गई है। जब किसी से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, नरेश नंबरदार जी हमसे बोल जाते सर 2 घंटे में मोटर लग जाएगी और 2 घंटे में आपका पानी निकल जाएगा। ये पिछले पांच दिन से रेगुलर ये हो रहा है कि 2 घंटे में आपका पानी निकल जाएगा, लेकिन जब समस्या नहीं हो पाई है। मैं डेली बच्चों को देखता हूँ, सामने मेरी दुकान है, मैम आके सिर्फ मेरे से ही कहते हैं, क्योंकि गांव में तो नहीं पहुंच पाते हैं, वो आके मेरे से ही बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ फिर, अब मजबूरन होकर गांव वालों को बुलाया, इकट्ठा कराया कि आपके माध्यम से, अधिकारी तो नहीं सुन पा रहे, कम से कम आपके माध्यम से ये बात हमारी डीसी तक पहुंच जाए और हमें इस समस्या से समाधान मिले। चलो ठीक है, मैडम जी से बातचीत करते हैं कि इस समस्या पर उनका क्या कहना है। मैडम नमस्कार। क्या नाम मैडम आपका? सर मेरा नाम सरोज है, मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ पीजीसी केमिस्ट्री पोस्ट। अच्छा, पर अच्छा मैडम, ये जो स्कूल के बाहर गेट है, हाँ, और गेट के बाहर बहुत गंदा पानी जमा हुआ है, सीवरेज का पानी है और बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ समस्या कब से है और बच्चों को आपको क्या परेशानी हो रही है और प्रशासन से सरकार से आपकी क्या मांग है। सर देखो, ये समस्या अभी 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद ये पानी थोड़ा सा भरा, फिर उसी दिन मैंने फोटो खींचे हैं सारे स्कूल के और बाहर जो पानी है उसके फोटो खींच के पार्षद जी को भेजे हैं, उनसे वर्बली फोन पे भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी ये पानी का जो पंप लगा के ये सुखवा दूंगा और साथ में जो नाला है इसका भी प्रॉपर समाधान कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कल ये क्या हुआ, कल भी शायद बारिश हुई और नाले का जो एक्स्ट्रा पानी ये स्कूल के अंदर आ रहा है। आज सुबह हमने ये पानी देखा है और आते ही मैंने फिर से पार्षद को फोन किया है। पार्षद जी ने यही मेरे को आश्वासन दिया है बिल्कुल कि मैं अभी आधे घंटे में पंप लगवा रहा हूँ और सारा पानी अभी यहाँ से खाली करवा देंगे। और इन्होंने मुझे परमानेंट समस्या के समाधान के लिए भी बोला है। क्या बोला है? कहते हैं कि यहाँ ये पंप लगवा के मैं तो यही चाह रहा, पार्षद जी बोले मैं यही चाह रहा हूँ कि ये सारा पानी जो नाले का है ये सुखाया जाए, इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है। उसके बाद स्कूल में जो भी समस्या होती है हम चारों तरफ ध्यान देते हैं और साथ में जो भी समस्या स्कूल के अंदर तो साफ सफाई हमने देखी है, सही है, वो भी हम कर रहे हैं। नहीं अभी जैसे हमारे स्कूल में लाइट भी नहीं थी, गाँव में लाइट थी, तो मैंने अपने इसको जो बिजली विभाग है वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसके बाद हमारे पास आज लाइट आ रही है, लाइट की बड़ी समस्या हो जाती है। मैडम कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हमारे पास जी 6 to 12 167 बच्चे हैं, जो 167 यानी 167 बच्चे हैं। हाँ जी, तो जिनमें से हम 50% स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बुला रहे हैं। अभी हमारे 1 to 5 बच्चे भी नहीं आ रहे स्कूल में। अच्छा अच्छा, करीब 100 बच्चे आ रहे हैं मेरे ख्याल से, 100 के आसपास या 100 से भी कम। तो मैडम मुझे ये जानना है कि जैसे बच्चे गंदे पानी में से होकर आते हैं, वैसे भी बीमारी का दौर है, बिल्कुल, तो डेंगू मलेरिया का सीजन भी चल रहा है, जब भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो डेंगू मलेरिया ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। डेंगू सबसे खतरनाक है बच्चों के लिए, मलेरिया भी बहुत खतरनाक है,
तो बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगी ना, बीमारियां बढ़ जाएंगी। बहुत दिक्कत है। हमने अपने लेवल पे सबको जहाँ जहाँ हमें फोन करने थे, साथ में मैंने वीडियोस और फोटोज बना खींच के सारे पार्षद जी को फॉरवर्ड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका रोल है इसलिए उनको सबसे ज्यादा, और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। सबसे नजदीकी जनप्रतिनिधि पार्षद ही होता है, पार्षद के बाद विधायक, फिर सांसद। हम आगे भी और प्रोसेस करते अगर हमें कहीं आश्वासन नहीं दिया जाता तो हम ये सोचते कि हाँ हमें बहुत आगे स्टेप लेने की जरूरत है। उन्होंने हमें प्रॉपर आश्वासन दिया और हमारे लिए मतलब जो भी जन प्रतिनिधि होते हैं या प्रशासन ही या सरकार ही, जो बच्चों की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, उसका सबसे पहले समाधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बीमार होंगे तो इससे उनकी दिक्कत बढ़ जाएगी, बीमारी का दौर वैसे ही। बच्चे देश का भविष्य है, स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, तो उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले होती है। बिल्कुल, और इनको पॉजिटिव थॉट के साथ स्कूल में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में घुसते ही आपके जूते कीचड़ में सन जाए, फिर वो कैसे पढ़ पाएगा? नहीं, उसका बच्चे का मन खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बच्चे ही नहीं टीचर्स भी परेशान होते हैं। टीचर भी परेशान, टीचर्स भी पैदल आते हैं। मैं खुद मैडम अंदर कीचड़ में घुस के आया हूँ। सही बात, हमारी हेड मैडम है, पैदल आती है, वो भी तो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी समस्या हम सबके साथ भी वैसे ही है। और मैं तो ये देख रही हूँ, मुझे तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है स्कूल में आए, ये स्कूल तो बहुत पहले से बना हुआ है, ये समस्या आज तक कैसे बनी हुई है? ये क्या गांव के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, या गांव में जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्कूल भी तो गांव के अंदर आता है, इनकी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सबकी जिम्मेदारी, सही। बहुत कोशिश कर रहे हैं, जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत इधर उधर जो भी जितना हो सकता है कोशिश की है, पार्षद जी को आज सुबह भी फोन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप मेरे लिए सबसे पहले, स्कूल के अंदर हमें कोई कमी नहीं है, गेट पर ही दिक्कत है और गेट पर बहुत ज्यादा पानी जमा है, और साइड में कह रहे हैं कि 10-10 फुट गहरा नाला है और उसमें पानी लबालब भरा हुआ, अगर कोई बच्चा फिसल जाएगा उसमें गिर जाएगा तो कोई उसको बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि 10 फुट गहरा है और कीचड़ भी है। बहुत समस्या बच्चों के लिए, हम बहुत, तो क्या मांगे सरकार से, डीसी साहब से, एमसीए कमिश्नर साहब? हम तो ये चाहते हैं सबसे पहले तो ये नाला ही नारा है, स्कूल के चारों तरफ इतनी गंदगी हमेशा ही बनी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल बदबू आती है, पानी सड़ा हुआ है, इतने सारे कीड़े मकोड़े और ये मच्छर पनपते हैं, बच्चे कभी भी हमारे बीमार हो। यहाँ नाला आस पास या तो मोटी पाइप निकाल के नाले का पानी, इसका तो परमानेंट सॉल्यूशन होना ही चाहिए। ये स्कूल है जो हमारे देश का भविष्य बना रहा है, स्कूल यहाँ टीचर्स आते हैं, उस स्कूल के स्टाफ और बच्चों का ये हालत इतनी खराब है, सही बात, वो खुद हेल्थ ही अपनी सही नहीं रख पाएंगे तो वो आगे भविष्य किसका बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो आपने देखा, टीचर भी परेशान, छात्र भी परेशान, गाँव वाले भी परेशान। अब देखते हैं इस समस्या का समाधान कब तक होगा। आप लोग देख सकते हैं गांव वाले यहां पर जमा है, कुछ कहेंगे आप? एक मिनट बात। हेलो, हाँ जी नमस्कार, किससे बात हो रही मेरी? ये हमारे जो वर्तमान पार्षद, हाँ हाँ बताइए। आप आ जाओ यहीं पे गांव में, ठीक है? अभी हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हाँ चलो, आप इसको करा दो, उसके बाद अभी अपडेट दिखा देंगे, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, ओके नमस्कार। तो पार्षद नरेश नंबरदार ने बताया है कि 2 महीने में इसका परमानेंट जो है समाधान हो जाएगा इस समस्या का, फिलहाल के लिए पानी निकलवाया जा रहा है। तो अब देखते हैं गांव की अस्थाई समस्या का अस्थाई समाधान कब तक हो पाता है। मैंने आपको दिखाया, प्रशासन ने भी देखा, सरकार ने भी देखा, समस्या का अस्थाई समाधान ज़रूर होना चाहिए। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।